बच्चों क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा, कोई भी जीव हो किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का, कच्ची सामग्री मतलब रॉ मेटेरियल, किस रॉ मेटेरियल का उपयोग किया जाता है। बात समझिए, कोई जीव है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मैना हो, मतलब क्या कहते हैं, सपोज पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव हो, इंसान हो, कोई भी जीव हो, हाथी हो, बिलाई हो, जो भी हो, कोई भी जीव हो, ध्यान दो, तो उनके द्वारा किन किन कच्ची सामग्री, आप देखो अगर आप समझ गए इस टर्म को, किन किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये मैं बता दूं, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का सीरीज है और ये शुद्ध एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो इसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों ध्यान समझिए। देखो कोई जीव के लिए बच्चों सबसे पहला कि उसको सांस लेना चाहिए, क्या बिना सांस लिए तुम जी पाओगे? नहीं। भोजन तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हें पहला काम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। तो बच्चों पहला चीज आपको कच्ची सामग्री में लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, किसी जीव द्वारा निम्नलिखित चीजों, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित चीजों को, निम्नलिखित कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पहला ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। बच्चों जब भी कोई आदमी अगर ऑक्सीजन नहीं लेगा तो जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं। तो ऑक्सीजन क्या है? कच्ची सामग्री। क्या है? कच्ची सामग्री। तो ये जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं पाएगा लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। कोई एक ऐसा आदमी बताओ जो विचित्र आदमी हो, बिना ऑक्सीजन जिंदा रहता हो, कोई है ऐसा? नहीं। कोई ऐसा नहीं होगा। हम उसका आरती उतारेंगे, समझे? आरती उतारेंगे कि कोई ऐसा आदमी है तो बताओ। तो बच्चों पहला ऐसा, तो पहला चीज क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। O2। क्या चाहिए? O2। O2 नहीं होगा तो जिंदगी कभी भी चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं। दूसरा चीज बच्चों, चलो सांस तो मिल गया, दूसरा चीज बच्चों पानी। कहते हैं जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, तब वाटर नहीं मिलेगा, तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वाटर इज वेरी नेसेसरी, वाटर इज वेरी नेसेसरी, वाटर नेसेसरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना वाटर के तो कोई आदमी जिंदा सर्वाइव रह ही नहीं सकता है, कोई जिंदा नहीं रह सकता। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस कहती है कि हमारा शरीर कुल 65% 65% बच्चों वाटर से मिलकर बना है। साइंस सेज, और ब्रेन बच्चों हर एक ऑर्गेन हमारा वाटर से मिलके बना है। तो वाटर नहीं होगा, पानी, जिसे डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम मैक्सिमम टाइप, अगर आप जब स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो पानी हमारे शरीर क्या करता है, एकदम ठंडा, कूल एकदम टेम्परेचर को बनाए रखता है। बच्चों पानी काम क्या होता है? दिमाग को स्थिर करना, शांत करना, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना। बच्चों बोले समझे ना? तो कितना परसेंट पानी होता है? 65%, 100 में से 65% पानी होता है बच्चों, ठीक है। और ये भी जरूरी है, ये भी कच्चा पदार्थ, ये भी क्या है? कच्चा पदार्थ, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। बच्चों रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री। तो ऑक्सीजन भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर दूसरा क्या चाहिए? पानी। ऑक्सीजन मिल गया, पानी मिल गया, अगर भोजन ही नहीं मिलेगा तो जिंदा रह पाओगे? नहीं। तो बच्चों भोजन भी चाहिए, अगर फूड ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ऐसे ही मिल जाएगा, जिंदा रहोगे? मिल गया ऑक्सीजन, मिल गया ऑक्सीजन, क्या हमको ऐसे रहेंगे, जिंदा रह जाएंगे? नहीं। सिर्फ ऐसे ही करते रह जाए जिंदगी भर, सांस दूए दिन में प्राण खत्म हो जाएगा, 10 दिन में तुम्हारा जो गया, रिटायर्ड हो जाओगे दुनिया से। तो भोजन तो चाहिए। पता कोई ऐसा आदमी जो बोला भोजन का? तो कोई आदमी होता है एक्सेप्शन, बट साइंस कहती है कि हर एक आदमी को न्यूट्रिशन, बच्चों पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसकी? पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मिलेगा किससे? भोजन से। क्या मिलेगा? भोजन से। क्या? पोषक तत्व। न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। तो बच्चों भोजन भी चाहिए, क्या चाहिए आपको? भोजन। यानी फूड भी चाहिए, क्या चाहिए? फूड ना होगा तो जिंदगी ना चलेगी, चलेगा? नहीं। चलेगा जी? नहीं। तो फूड भी क्या चाहिए? चाहिए।
बच्चों दूसरा बात करें खनिज, क्या बात करें? खनिज, मिनरल्स, 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 क्या बोलेंगे? मिनरल्स, मिनरल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए समझिए, ये है मिनरल्स, क्या है? मिनरल्स। अब समझिए बच्चों, मिनरल्स समझिए क्या होता है, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। अब इस टर्म को समझो, देखो ये टर्म को समझा दो, समझो, जो हमारा हड्डी होता है, बोन, बोन मीन्स हड्डी, हड्डी है ना, हड्डी बच्चों, हड्डी मैक्सिमम कैल्शियम से मिलकर बना होता है। कैल्शियम क्या है? एक खनिज है। कैल्शियम क्या है? खनिज है। अगर कोई बच्चा को कैल्शियम नहीं मिलेगा, समझते उसका हड्डी ऐसे होगा, ओ, 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 करेगा हंसो नहीं समझो, क्योंकि इसका हड्डा एक बीमारी होता है, समझे, मरसमस बीमारी, पता है तुमको? मरसमस एक प्रोटीन कमी से बीमारी होता है, मरसमस। चलो देखो टॉपिक आइए, हंसिए नहीं बच्चों बच्चों खनिज चाहिए, खनिज तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बताओ बिना खनिज जीना रह पाएगा? अच्छा बताओ, बताओ कैल्शियम क्या है? खनिज। कैल्शियम क्या है? खनिज। अच्छा कैल्शियम से क्या होता है? हड्डी। अच्छा दांत किसका मिलकर बना होता है? बोलो, दांत किसका मिलकर बना होता है भाई? दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट का मिलकर बना होता है। अब दांत कैल्शियम नहीं होगा तो दांत भी नहीं चलेगा, हड्डी नहीं होगा, समझो, हड्डी बच्चों जीवन में मतलब बच्चा का, अच्छा इसलिए बच्चों कहते हैं दूध, मिल्क, मिल्क अगर कोई आदमी पीता है, समझो मिल्क सर्वोत्तम आहार होता है। मिल्क क्या होता है? सर्वोत्तम आहार, कैल्शियम भरपूर, यस, दूध में क्या होता है? कैल्शियम। जिस आदमी को कैल्शियम कमी हो, समझना उसको दूध पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए? दूध, मिल्क पियो, खूब दवा की मिल्क पियो, समझे, ध्यान दो, जितना मिल्क पियोगे उतना कैल्शियम होगा, क्या बोले समझे, जितना मिल्क पियोगे उतना कैल्शियम होगा। तो मिल्क पीना अच्छा होता है हड्डियों के लिए, दांत के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी हड्डियां मतलब बहुत तंदुरुस्त होती है, मजबूत होती है, ठीक है बच्चों। और इसमें खनिज में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, लोहा बच्चों, अगर लोहा नहीं होगा हमारे शरीर में, ये लोहा मतलब ये रॉड तोड़ मत धसा लेना जब हम बोलते हैं लोहा तो लोहा लोग जब हम प्रश्न बोलते हैं लोहा, ओहो रॉड है उसी गाड़ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। देखिए बच्चों, लोहा एक खनिज होता है, लोहा क्या होता है? खनिज होता है। आयरन, क्या बोलते हैं? आयरन। अच्छा देखिए, अगर आयरन ना होगा ना, अगर आयरन ना होगा, आयरन नहीं होगी तो क्या होगा, ध्यान समझिए, तो हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, खून लाल नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन कार्य होता है बच्चों, ये रक्त जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन को डिफरेंट अंगों तक, अलग अलग अंगों तक, माथा से लेकर सिर तक, हर एक मतलब पूरा जगह कौन पहुंचाता है ना, पूरा जगह ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, बोलो, हीमोग्लोबिन, कौन बताता है? हीमोग्लोबिन। अगर बच्चा लोहा नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन अच्छा काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, काम करेगा? नहीं, नहीं कर पाएगा भाई, हीमोग्लोबिन जोड़ी है, हीमोग्लोबिन काम क्या होता है बोलो रे? हीमोग्लोबिन मतलब पूरा शरीर में ऑक्सीजन। हाँ, हीमोग्लोबिन काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो ये देखो, कैल्शियम भी क्या है? खनिज है। लोहा भी क्या है? खनिज है। जिंक भी क्या है? खनिज है। तो तमाम टीन भी क्या है? खनिज है। टीन भी क्या है? खनिज है। यस, टीन भी एक खनिज है, ये समझे बात? टीन मनुष्य में, मनुष्य में भी टीन का, देखो बोलो, लोहा, लोहा, कैल्शियम, कैल्शियम, टीन, टीन, जिंक, जिंक, ये फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, तमाम चीजों शरीर में, बच्चों ध्यान समझिए, ये सभी क्या है? खनिज। क्या है जी? मिनरल्स। क्या बनेंगे? मिनरल्स। इन सभी को हमें खाना, इन सभी को हम लोग खाने पीना जो चीज खाते हैं उसे मिलता है। अगर आपको शरीर में सोडियम नहीं बनेगा ना, सोडियम नहीं रहेगा तो आपका हार्ट बीट, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, सोडियम दिल को धड़काता है, समझे, सोडियम जरूरी है, एने मतलब सोडियम, सोडियम मतलब सोडियम सब रहना चाहिए भाई, सोडियम नहीं रहेगा तो शरीर में कभी हार्ट अटैक आ जाएगा और तुम्हारा मौत हो जाएगा, किसी का मौत हो जाएगा, तो सोडियम होना ही चाहिए। तो बच्चों क्या कहिए बोलो? ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, खनिज में, खनिज में कौन को? कैल्शियम क्या करता है? मजबूत बनाता है हड्डियों को, दांतों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। फिर लोहा, समझ गए, चाहिए चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, अरे लोहा नहीं तो हीमोग्लोबिन बनेगा? अरे हीमोग्लोबिन का मतलब समझो बच्चों, देखिए हीमो मतलब होता है लोहा, हीमोग्लोबिन का आप अर्थ समझिए, अगर आप समझ गए अर्थ तो बस यही पे, देखो हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब क्या होता है? हीमो मतलब लोहा। अच्छा, अगर लोहा ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन होगा? नहीं। अच्छा, हीमोग्लोबिन नहीं तो खून पहुंचेगा? नहीं। खून में ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? नहीं। हीमोग्लोबिन काम क्या होता है बोलो? बोकी है सब बोलो। ऑक्सीजन को पहुंचाना। यस, ये किससे होता है? लोहा से। हीमोग्लोबिन खून को लाल भी करता है। क्या करता है? लाल करता है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन चाहिए, समझ में आया? जिंक भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। लवण, अब बात करते हैं बच्चों लवण। अब लवण का क्या बच्चों? लवण मतलब होता है साल्ट। लवण मतलब साल्ट, ध्यान देखिए। लवण, लवण मतलब होता है बच्चा साल्ट। क्या साल्ट? आप सबको तो पता ही है, अगर साल्ट नहीं होगा तो हम लोग ये जो देखते हो थायराइड, इसे क्या कहते हैं? थायराइड। ये इतना बड़ा 5 किलो का हो जाएगा, घेगा, ये 5 किलो का हो जाएगा, समझे? बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगा इतना बड़ा, पता तुम्हें? ध्यान दीजिए, ये तुम्हें इतना लटक जाए, इसको बोलते हैं तुम्हें ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? या घेंगा, पता है ना? डॉक्टर इसलिए कहते हैं ना, शुद्ध आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्या कहता है? टाटा जो भी कंपनी हो, 10 रुपए वाला ही खा लेता है। लेकिन अच्छा, इसीलिए आज देखते होगे जो पहाड़ पर रहता है ना, सबको घेंगा होता रहता है। क्यों पता है तुम्हें? क्यों? क्योंकि वहां पर नमक किनारे, नमक समुद्र नहीं मिलता है, पहाड़ पे कौन नमक जाएगा लेने के लिए? से नीचे उतरेगा, वो सब एकदम रहेगा पहाड़ पे, मतलब 10-10 मंजिला घर के ऊपर जितना है उतना ऊपर रहता है। वहां के लोग सब क्या होता पता है? घेंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन नमक खाते ही नहीं है। सुनाया? समझ नहीं समझा? क्यों पहाड़ वाले आदमी को, जो पहाड़ पे जाते हैं घर बना के, कुटिया बना के रहते हैं, देखो कि उनका अक्सर घेंगा हो जाता है, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं इसको? आयोडीन की कमी से क्या होता है? इसीलिए डॉक्टर हमें बोलते हैं हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जिससे घेंगा बीमारी नहीं होता है। तो बच्चों, तो साल्ट समझ में आया? तो साल्ट का भी यूज है ना? नहीं है साल्ट का यूज? है कि नहीं है? तो बच्चों बोलो क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए पानी चाहिए, पानी। भाई पानी नहीं हो, पानी से पानी से भी ऑक्सीजन मिलता है। पानी से भी क्या मिलता है? पानी में भी, पानी मतलब H2O, पानी मतलब H2O। हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1। हाइड्रोजन कितना अणु? 2। ऑक्सीजन का 1। पानी मिलता है तो पानी भी चाहिए। भोजन तो भाई पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए। अगर भोजन नहीं होगा तो विटामिन ए नहीं, विटामिन बी नहीं, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी नहीं, विटामिन ई नहीं, विटामिन के नहीं, विटामिन कुछ, कोई विटामिन नहीं होगा। शरीर में 50 तरह का बीमारी लगेगा। भोजन खाना छोड़ दो, 1 महीना भोजन खाना छोड़ दो, देखो सड्डा हो जाओगे तुम। 1 महीना छोड़ दो, सिंपल, 1 महीने के 10 दिन छोड़ दो, तुम्हारा टिकट कट जाएगा भगवान घर में। क्या साधु सब कैसे बिना भोजन के कौन होता है? फल खाए साधु, कोई भी आदमी साधु हो या कोई भी, भोजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? समझ आया? खनिज बताया, अरे कैल्शियम हड्डी के लिए, दांत के लिए, ठीक है? दस दिन सहा तो 10 दिन रात को खाता है लोग ना? नहीं, हम तो उसको फिर प्रॉब्लम हो गया होगा, 10 दिन नहीं खाया दुर्गा पूजा में, तो अभी तबियत खराब हो जाता है ना? आप माता देखो, इसीलिए हाँ, ये कमी क्यों हो गया? क्योंकि विटामिन नहीं है, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी सबकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या दिन? 3 दिन ना, हम बात करें 2-3 दिन में, देखो 2-3 दिन में तो देखो मौत जो होती है, मौत जो होती है सडनली नहीं होती है, उसके लिए टाइम लगता है। तो कितना भी बीमारी हो जाए, कितना बड़ा भी एड्स भी हो जाएगा, मान लो खतरनाक बीमारी, तो ऐसे ऐसे नहीं आया मर गए, ऐसे नहीं होगा, उसका प्रोसेस होता है धीरे 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 धीरे। शरीर कमजोर होना क्या होता है? और आप दिन खत्म हो जाएंगे, एड्स का कोई भी इलाज। चले तो बोलो क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, पानी, भोजन, खनिज, लवण। इन सब का अगर कोई व्यक्ति, ये कच्ची सामग्री, कौन सामग्री है? तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। yes. तो जीव के लिए क्या क्या चाहिए? इन सब कच्ची सामग्री का उपयोग होना चाहिए, तभी जाके इंसान जिंदा रह पाएगा, ठीक है? ये जरूरी है, ये सब क्या है, ठीक है दोस्तों? ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना भी लगे तो डिसलाइक कर दो, कुछ तो करो, कमेंट भी कर दो, ठीक है? बाय।